वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ आपको कि बैंगन का भाजा कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे बैंगन का भाजा बनाने के लिए मैंने बैंगन को बीच से कट कर लिया है। यहाँ पे मैं लहसुन ली हूँ, कड़ा मसाला में काली मिर्च, जीरा, लहसुन और दो लाल मिर्च ली हूँ और थोड़े से गर्म मसाले भी चाहे तो आप ले सकते हैं। सबको मैंने अच्छे से पीस लिया है, अच्छे से मसाला बना लिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, इसे हम अच्छे से पूरे मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे ताकि बैंगन फ्राई के मसाले में ये अच्छे से वर्क कर पाए और बैंगन का जो फ्राई है वो अच्छे से बन पाए। तो देखिए किस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। हल्का सा पानी डाल के मैं इसे मिक्स कर चुकी हूँ, अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। ये हमारा मसाला का पेस्ट तैयार हो चुका है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले रहे हैं। कढ़ाई गर्म हो जाने पे हम इसमें डालेंगे सरसों ऑयल, घर का तेल, आप जो भी खाने में यूज़ करते हैं आप वो तेल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ, मेरे यहाँ खाना बनाने में यही तेल यूज़ किया जाता है तो मैं यहाँ पे सरसों ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी दे सकती हैं पर सरसों के तेल में खाना अच्छा बनता है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेथी दाना, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे खड़ी दो लाल मिर्च ले रही हूँ, उसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से हम लाल कर लेंगे यानी कि फ्राई गोल्डन कलर में कर लेंगे। अच्छे से जब ये हो जाए तब हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे। अच्छे से बैंगन, फ्रेश बैंगन को बीच से कट करके इस तरह से आप जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने कैसे कट किया है, इस तरह से कट करके हम प्याज में बैंगन को फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छे से गोल्डन ना हो गया हो। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गोल्डन होने तक इंतज़ार करेंगे और इसे फ्राई करते रहेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए, कुछ इस तरह से। आप चाहे तो इसे ढक भी सकती हैं। इस तरह से मैंने इसे ढक दिया है, इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, जैसा कि आप देख सक रहे हैं वीडियो में। इसमें नमक ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए, कहीं से भी बैंगन कच्चा ना रहे, क्योंकि हमेशा होता है कि हम बैंगन को गोल्ड तो कर लेते हैं, फ्राई तो कर लेते हैं बट बैंगन अंदर से पकता नहीं, पूरी तरह से कच्चा रह जाता है। इसलिए हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं ताकि अच्छे से पक जाए। मैं इसे फिर से थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर जो हमने मसाले का जो पेस्ट तैयार किया था फिर हम उसमें मसाले का पेस्ट डाल के इस तरह से फ्राई कर देंगे। देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। और इसे 5 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक मसाला अच्छे से लाल ना हो जाए, गोल्डन कलर पूरा फ्राई ना हो जाए अच्छे से। फिर से ढक करके हम इसे पका लेंगे। देखिए किस तरह से कलर खिला खिला सा आ रहा है। इस तरह से आप घर में स्वादिष्ट बैंगन का भाजा बना सकते हैं और सर्व करके अपने गेस्ट या अपने फैमिली मेम्बर को खिला सकती हैं। तरह से खाइए, पीजिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।